हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन विनय इज हियर टू वेलकम यू इन द क्लास ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग 2011 का जो पीटीआई का पेपर वन है उसको कर रहे हैं और हमने लगातार इसमें तीन क्लासेस कर ली हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग चौथी क्लास करेंगे, तो मैं आप सबका वेलकम करता हूँ क्लास में। क्लास जल्दी से शुरू करेंगे। प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो अभी भी टाइप कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हैं और शुरू करते हैं क्लास को। सो आज के क्वेश्चन जो है वो काफी खास हैं, काफी मस्त क्लास आज होने वाली है। बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के उसमें कुछ क्वेश्चन रहेंगे, टीचिंग पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिला के यह समझ लो कि टीचिंग से रिलेटेड आज क्वेश्चन रहने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन से लेके चलेंगे हम लोग कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और फिर उसके बाद में हम लोग बढ़ते हुए चले जाएंगे। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्पेशल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विद द नेचर कंडीशन आउटकम इवेल्युएशन ऑफ स्पोर्ट लर्निंग एंड रिटेंशन। दिस ओपिनियन अबाउट द एजुकेशन साइकोलॉजी हैज बीन गिवन बाय विद्यालय अधिगम स्मृति की प्रकृति दशाओं परिणामों मूल्यांकन से संबंधित मनोविज्ञान की विशिष्ट शाखा है। इस बात को किसने कहा है? सेड बाय एरिस्टोटल, अनसुवेल, वुड्सवर्थ या स्कैनर। जल्दी से हम लोग बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सिंपल डेफिनेशन है। उस डेफिनेशन की अगर बात करें, जो एडुकेशन साइकोलॉजी द स्पेशल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न्ड विद द, ये नेचर के साथ कंसर्न करती है, कंडीशन के साथ कंसर्न करती है, आउटकम एंड इवेल्युएशन ऑफ स्कूल लर्निंग एंड रिटेंशन, इसकी बात आपकी की थी अनसुवेल ने। तो सेकेंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टीचर कैन नॉट डू विदाउट स्टडी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बिकॉज, एक अध्यापक जो है वो मनोविज्ञान के बिना अध्ययन कार्य को पूरा नहीं करा सकता है, इसके पीछे रीजन क्या है? सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर आर फोर रीजंस आर गिवन हियर। इनमें से कोई एक ऐसा रीजन है, ठीक है, उसको हमें अलग कर लेना है, राइट? ये क्या है? एडुकेशन साइकोलॉजी इज डीपली कंसर्न्ड विद द इंडिविजुअल डिफरेंसेस विद द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, या फिर द सेकंड ऑप्शन, इट इज नेग्लेक्टेड टू द इंडिविजुअल्स एंड सोशल एडजस्टमेंट ऑफ द लर्नर, द थर्ड ऑप्शन, इट डज नॉट डिटरमाइन द प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ लर्निंग, इट हेल्प्स स्टूडेंट्स ओनली मेमोराइज सर्टेन फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तित्व की निम्नताओं और शिक्षक की समस्याओं के हलों का गहन रूप से संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता जो अधिगम करता है, लर्नर है, उसके व्यक्तित्व और सामाजिक समायोजन की उपेक्षा करता है, ये नेगेटिव है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के अधिगम सिद्धांतों और नियमों का निर्धारण नहीं करता, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है आपका। एक मनोविज्ञान शिक्षा विद्यार्थियों के केवल सर्टेन तथ्यों को, सिर्फ सर्टेन तथ्यों नहीं, उससे ज्यादा बहुत सारे तथ्य उन पे बात करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आंसर इसमें जो है वो फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो डीपली कंसर्न करती है किसके साथ? इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे मैं आपको एक अभी एक मूवी आई है दसवीं, राइट, एक दसवीं करके मूवी आई है, अगर आप उसको देखोगे तो उसमें जो पॉलिटिकल लीडर है उसके सीखने का तरीका जो है वो पॉलिटिकल वे, पॉलिटिकल फिक्शंस के हिसाब से जो उसके टीचर्स रहते हैं, जो उसके कोलीग रहते हैं, जो उसको सिखाते हैं मूवी में, वो क्या करते हैं, वो इस तरह से चीजों को मोल्ड करते हैं जैसे कि उनको रिलेट कर देते हैं पॉलिटिक्स से। तो वो नेताजी जो है वो क्या है, वो बड़ा आसानी से उन सारी चीजों को समझ जाते हैं। सो क्या करता है मनोविज्ञान, आपको ये रियलाइज कराता है कि आपको अपने बच्चे को किस तरह से सिखाना है, किस तरह से पढ़ाना है, व्हाट आर द रियल वे, व्हाट इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट आवर टीचिंग, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर इसका ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अकॉर्डिंग लिंडग्रेन द फॉलोइंग इज नॉट द फोकल एरिया ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। लिंडग्रेन एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कुछ एरिया दिए हैं, उन एरिया में से कौन सा यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ये आपको चूज करना है। फर्स्ट द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस है, या फिर लर्निंग कंटेंट है आपका, या फिर लर्निंग की सिचुएशन है, ठीक है।
तो ये सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें क्या है, जो लर्निंग कंटेंट है वो लंडग्रेन ने फोकल एरिया में नहीं रखा है। सेकेंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस, ये बहुत ही फेमस क्वेट है, एक तरह से बहुत ही फेमस डेफिनेशन है अगर आप साइकोलॉजी की बात करेंगे। हु गिवन द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग की डेफिनेशन है जो किसने दी है। जल्दी से मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ, ये डेफिनेशन यहाँ पे क्यों दी है उसके पीछे एक राज बताता हूँ मैं आपको। इसमें क्या है, ई ए जो वर्ड आया है यहाँ पे, ये दो लोगों के नाम से पहले आता है, इस वजह से इसने कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें आंसर क्या होगा, दूसरा नहीं, इसमें आंसर ठीक है आपका थर्ड। ऐसा क्यों है, इस तरह से इसको देखिए आप, ई ए पील है एक आपका, राइट। दूसरा जो थर्ड आंसर है, इससे पहले भी इसके सफिक्स में ई ए गेट्स एंड अदर्स, तो इसने कंफ्यूज करने के लिए ई ए यहां नहीं दिया है, गेट्स एंड अदर दिया है। यू हैव टू गो विद दिस आंसर, ये आंसर आपका इनकरेक्ट है, आंसर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। द ब्रांच इम्प्लीकेशंस, एडुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट इज नॉट, जो लॉ ऑफ इफेक्ट है मतलब प्रभाव का नियम जो ई एल थॉर्नडाइक ने दिया है, उससे कौन से शैक्षणिक महत्व नहीं है, मतलब किस पे प्रभाव आपका नहीं पड़ेगा, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन किस पे नहीं आता है, किसकी वजह से नहीं आता है। इंक्रीज इन इंटरेस्ट, ये बिल्कुल बात सही है कि जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, अगर आप किसी बच्चे को कोई चीज बताते हैं तो उस पे या तो उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा या फिर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। या तो ये ऐसा हो सकता है कि उस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, ये सिर्फ और सिर्फ तब होता है, ये बच्चों के केस में नहीं होगा। एक तो होता है आपका पॉजिटिव इम्प्लीकेशन, ठीक है, दूसरा है आपका नेगेटिव इम्प्लीकेशन, एक होता है जीरो इम्प्लीकेशन। तो जीरो इम्प्लीकेशन एक ही कंडीशन है, जब आप क्या है, आपके पास बहुत सारी नॉलेज हो, जब आप एक तरह से नॉलेज के लिए स्टेबल हो, ठीक है, यू हैव कॉन्क्रीट नॉलेज, दैट टाइम ये है कि आप उसको नलीफाई कर सकते हैं, ये एक सिचुएशन है सिर्फ। तो और दूसरा क्या है, कंट्रोल ऑफ इमोशंस होता है, जब आपको एजुकेशन अच्छी तरह से दी जाती है, प्रभावों को कंट्रोल आप करना आ जाता है आपको, ठीक है, आपको फीलिंग्स को कंट्रोल करना आ जाता है। देन ट्रीटमेंट ऑफ डिलिंक्वेंट्स, अपराधी बालकों का उपचार किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। डिक्रीज इन मेमोरी, ये नहीं होता है, ये इफेक्ट जो है वो लॉ ऑफ इफेक्ट में नहीं आता है, मतलब लर्निंग्स के लॉ में नहीं आता है। अभी आप देखिए कि लर्निंग का जो महत्व है वो क्या है। बेसिकली वी डू लर्निंग फॉर टू एनहेंस आवर मेमोरी, विद द हेल्प ऑफ दैट मेमोरी वी टेक सर्टेन डिसीजंस, राइट, कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों के परिप्रेक्ष्य में या फिर जो सोसाइटी में आपको निर्णय लेने हैं खुद के लिए उनके परिप्रेक्ष्य में देखोगे, तभी भी ये सारी की सारी चीजें जो होती है वो मेमोरी बेस्ड होती है, ठीक है। जब आपके पास बैकग्राउंड में नॉलेज नहीं होगी तो उस नॉलेज का आप इम्प्लीकेशन नहीं कर सकते, राइट। तो डिक्रीज इन मेमोरी का यहाँ पर कोई मतलब बनता नहीं है, तो फोर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट हेल्प ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, व्हाट द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मींस, देयर इज अ मोर नॉलेजेबल पर्सन इज टीचिंग टू सम अदर हु हैव द लेस नॉलेज देन दैट ऑफ हिम, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अ सर्टेन स्पेशलाइज्ड पर्सन इज गिविंग और पासिंग हिज नॉलेज टू द अदर लेस स्पेशलाइज्ड पर्सन, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में कौन सा इनमें से बोला है कि कौन सा फैक्टर जो है वो एक तरह से हेल्प नहीं करता है, तो विल पावर हेल्प करती है, प्रॉपर एनवायरनमेंट करता है, माल न्यूट्रिशन सॉरी मैच्यूरेशन ये भी आपका करता है, देन फटीग क्या है ये आपका नहीं करता, मतलब फोर आपका आंसर हो जाएगा। मींस अगर आप थके हुए हैं तो आप चीजों को कम सीखने की कोशिश करेंगे, मतलब उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसकी वजह से क्या होगा, लर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आई होप दैट आप इस बात को समझ पा रहे हैं ठीक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। ड्यूरिंग एडोलेसेंस बोन्स डेवलप रैपिडली, दीज बोन्स आर, अच्छा जो एडोलेसेंस की एज है वो आपकी डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट एज है, सारी एज अपने लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर जब फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करेंगे आप,
फिजियोलॉजिकल, जो खास तौर पे एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं मैच्यूरेशन के लिए, तो उसमें काफी ज्यादा चेंजेस एडोलेसेंस एज में आते हैं। अब उसमें भी स्पेशली अगर बोन्स की बात करी जाए, तो रैपिडली बोन्स में अगर आप प्रैक्टिकली देखो, तो आपको ये सिंपली ये क्वेश्चन लग जाता है कि इसमें क्या होता है, बोन्स जो है वो आर्म्स और लेग्स की बोन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। दूसरा बात है, यहाँ पे जो देखेंगे और बहुत सारी टोर्सो की बोने भी बढ़ती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। बोन्स ऑफ हिप एंड लेग्स ये नहीं है, बोन्स ऑफ फेस ओनली ये भी नहीं है, ये नहीं है कि आपका चेहरा इतना ज्यादा बढ़ जाए, तो लॉन्ग बोन्स हैं वही ज्यादा बढ़ती हैं, और लॉन्ग बोन्स आपकी क्या होती हैं, वो आपकी एक्सट्रीमिटीज में ही होती है। एक्सट्रीमिटीज में अगर देखोगे तो आप जो लिम्स होते हैं, और लिम्स क्या होते हैं, लिम्स में आपके दो होते हैं, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। ठीक है, अपर लिम्ब में आपके हैंड्स आ जाते हैं, लोअर लिम्ब में आपके लेग्स की बोन आ जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू चेक रेजिंग एंगर इन द लर्नर द टीचर शुड बी, एक बच्चा है जो काफी क्रोध करता है, मतलब गुस्सा करता है, तो टीचर को क्या करना पड़ेगा जिससे कि वो गुस्सा नहीं करे। गिव प्रोटेक्शन टू ऑल हिज इंटरेस्ट थ्रू आउट द अंडियो, ऐसा हो कि बच्चा चाहे कुछ भी कर रहा है, भला कर रहा है, बुरा कर रहा है, उल्टा सीधा कुछ भी कर रहा है, तो उसमें उसकी हेल्प करे, तो इसको तो हम नहीं कर सकते। आगे देखिए, नॉट इंटरफेरेंस इन द चाइल्ड एवरीडे, कुछ भी कर रहा है बच्चा उसमें इंटरफेयर मत करो, ये तो कोई बात नहीं हुई। गिव हिम मोर वर्क टू प्रोवाइड हिम नो टाइम टू गेट एंगर, इसको मान सकते हैं थोड़ा सही, हम लोग फोर्थ देखेंगे उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा ठीक है। सी दैट द गेट्स फेवरेबल ट्रीटमेंट टीचर्स इन द क्लासरूम, ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार हम लोग नहीं कर सकते, सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट करना है। ठीक है, ये सोशल ट्रीटमेंट की बात हो रही है। ठीक है, ये जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बात नहीं हो रही है, मतलब टीचिंग की लर्निंग से बात नहीं हो रही है, ये उसके पर्सनल बिहेवियर, पर्सनल पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैव डिटरमाइंड डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द चिल्ड्रंस ऑन द बेसिस ऑफ दियर इंटेलिजेंस, क्वेश्चन बिलो गिवन टू द ग्रुप ऑफ दीज कैटेगरीज, सेलेक्ट वन विद प्रॉपर एंड करेक्ट सीक्वेंस। नीचे कुछ सीक्वेंस दिए हैं और आपके इंटेलिजेंस के लेवल पे कुछ श्रेणियों में उनको बांटा गया है टर्मिनोलॉजी में। यू हैव टू रिकॉग्नाइज द टर्मिनोलॉजी इन टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट, कि किस तरह से जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपको पता होना चाहिए, तो सबसे बड़ा अगर आप देखोगे तो उसको बोला जाता है जीनियस, और सबसे छोटे अगर देखें, बहुत ज्यादा किसी को कहना हो तो आपने इडियट बोलते हुए लोगों को देखा होगा। तो पहले तो आप ये देखो कि सबसे ऊपर और सबसे नीचे इनमें से कौन सा मिल रहा है, सिर्फ एक ही मिल रहा है, सेकेंड आंसर करेक्ट है, काम खत्म, बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्रिएटिविटी अमंग द चिल्ड्रंस मे नॉट बी प्रमोटेड, क्रिएटिविटी जो है वो बच्चों में प्रमोट नहीं की जा सकती है किसके द्वारा, कुछ स्टेटमेंट है नीचे। Giving them a certain topic to collect the information relevant to the same, giving them opportunity to find out some problems of the day, giving them opportunity to analyze the future consequences of some problems, then the fourth answer is discouraging them to make certain investigations. अब आप इसको समझने की कोशिश करें, लगाते हैं हम लोग, हमें क्या करना है, प्रमोट नहीं करना है क्रिएटिविटी को, तो गिव देम सर्टेन टॉपिक एंड कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू सेम। तो ये तो बात सही है कि हम उनको कोई भी टॉपिक दे दें, एक तरह से ये क्या हो गया, ये प्रोजेक्ट मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड, या फिर इसको टास्क मेथड भी बोल सकते हो, इंस्टेंट टास्क मेथड। ठीक है, तो ये तो क्रिएटिविटी को क्या करता है, आपको इंक्रीज करता है। गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू फाइंड आउट सम प्रॉब्लम ऑफ द डे, ठीक है, ये भी एक तरह से इसी टाइप का प्रॉब्लम है, ये भी क्रिएटिविटी को एनहेंस करेगा। गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू एनालाइज द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रॉब्लम, डेफिनेटली जो प्रेजेंट में चीजें चल रही हैं, तो हमने एक स्टेटमेंट और सुना होगा, प्रेजेंट इज द की ऑफ पास्ट, प्रेजेंट इज द की ऑफ फ्यूचर, और इसी के साथ एक स्टेटमेंट और बोला जाता है, पास्ट इज द की ऑफ प्रेजेंट। Key of present,
और इसको वाइस वर्सा में भी बोलते हैं, ये डिपेंड करता है। अगर जियोलॉजिस्ट बात करेंगे तो इसको उल्टा बोलेंगे, मतलब प्रेजेंट इज द की ऑफ पास्ट, ठीक है। वो आज में चीजें जिस तरह से घटित हो रही होती हैं उनके हिसाब पे ड्रॉ करते हैं कि पीछे क्या हुआ होगा। जैसे हम ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं जियोलॉजी में, ठीक है। देन डिस्करेजिंग देम टू मेक देम सर्टेन इन्वेस्टिगेशन, ये बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को डिस्करेज करके उनकी क्रिएटिविटी को हम लोग क्या करते हैं, किल कर देते हैं, मार देते हैं, ठीक है। फोर आंसर करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चंस के बारे में बात की, आई होप दैट कि आपको ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता चले होंगे, कई सारे क्वेश्चंस में आपको नई चीज़ें जानने को पता चली होंगी। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आई होप दैट आपकी तैयारी खूब अच्छी रहेगी, आप अच्छे से तैयारी करते रहेंगे, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि आप फिजिकल एजुकेटर्स हैं और आपको हेल्थ दूसरों को सही करनी है, तो यू हैव टू मेक एन आइडियोलॉजी, यू हैव टू मेक एन आइडेंटिटी, so that you could motivate the other people. So see you guys in next class. Tab tak ke liye namaste.